लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। अभियान का मकसद अगले 5 साल में स्वच्छ भारत का टारगेट हासिल करना है, ताकि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर टारगेट हासिल करने के रूप में मनाया जा सके। अभियान के तहत देश के कई इलाकों, खासतौर पर गांव और शहरों की झुग्गी बस्तियों में टॉयलेट बनाने की मुहिम शुरू की गई और अब तक करीब 4 करोड़ टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। तो इसके लिए अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा पर नरेंद्र मोदी जी से चर्चा की। अक्षय ने मंगलवार को हुई इस मुलाकात का ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर किया है और इसके साथ ही लिखा, पीएम से मिला और मौका मिला उन्हें अपनी आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में बताने का। फिल्म का टाइटल सुनकर मोदी जी मुस्कुरा दिए और अक्षय कुमार ने कहा कि मेरा दिन बन गया। मुस्कुराने के बाद उन्होंने जो कहा उसको शायद अक्षय कुमार जिंदगी भर याद रखेंगे। उन्होंने 6 मिनट का वीडियो भी पोस्ट किया। बता दें कि अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में साफ सफाई और टॉयलेट की अहमियत को बताया गया है। इस तरह यह लोगों को पीएम के स्वच्छता अभियान से जोड़ती है। कुछ दिन पहले अक्षय ने सोशल मीडिया पर 6 मिनट का एक और वीडियो पोस्ट किया था और इसके साथ उन्होंने ट्वीट किया था, टाइम है अपनी सोच और सोच दोनों बदलने का। पीएम ने देश के हर शख्स से अपील की है कि वो इस अभियान से 9 लोगों को जोड़ें। 9 लोग आगे आएं और अगले 9 लोगों को जोड़ें। उन्होंने स्लोगन दिया है कि ना गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे। अक्षय ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के 12 शहीद जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद दी। नक्सली हमले के बाद एक्टर ने मदद के लिए होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया था। बता दें कि 11 मार्च को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने पैरामिलिट्री फोर्स की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया था। इसमें 25 जवान शहीद हुए थे। अक्षय शहीदों की फैमिली के मदद के लिए एक ऐप शुरू करना चाहते हैं, ताकि लोग खुलकर मदद करें। और इससे लेकर वह पिछले दिनों यूनियन होम सेक्रेटरी से मुलाकात कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म 2 जून को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब टॉयलेट एक प्रेम कथा 11 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। इस मूवी का फर्स्ट शो शायद हमारे मोदी जी भी देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस कहानी की स्टोरी क्या है, इस मूवी की स्टोरी क्या है और कहां तक ये फिल्म आगे जा सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।